पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। बंटवारे की राजनीति से देश एकदम अब उब चुका है। पहली बार देश को विकास के आधार पर वोट देने का 2014 में मौका मिला। हर देश का इंसान भूखा है विकास, क्योंकि गरीब त्रस्त है महंगाई से, युवा त्रस्त है बेरोजगारी से। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने 2002 के बाद जिस तरीके से गुजरात में काम करना शुरू किया, हम ये नहीं कहते कि गुजरात ऐसा विकसित प्रदेश हो गया है जिसको कि दुनिया का आइडोल बना दिया जाए, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से गुजरात जा करके देखे, वहाँ के लोगों से बात की, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों से बात की, उन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ इतनी गरीबी हुआ करती थी कि चावल का पानी हम लोग खा कर पी करके और चावल खा करके काम चलाते थे किसी को। आज ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास दो दो ढाई ढाई करोड़ घरों में जमा है, ये स्थिति। उसका कारण ये है कि व्यापक पैमाने पर छोटे छोटे उद्योगों पर ध्यान दिया गया, बड़े कारपोरेट्स को बड़ी जमीन दी गई उद्योग लगाने के लिए, उनको तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई जिससे वहाँ रोजगार जनरेट हुआ। और सभी क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में भी उसी तरह से, औद्योगिक क्षेत्र में भी उसी तरह से, सेवा क्षेत्र में भी उसी तरह से, यहाँ तक कि टूरिज्म क्षेत्र में भी। कच्छ का रण जहाँ पे एक पक्षी तक नहीं दिखाई देता था, वो आज टूरिज्म का बड़ा हब बन गया है। वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग कच्छ के रण को देखने जा रहे हैं। मोदी आने वाले, मोदी आने वाले, मोदी 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 जी बता रहे हमारे केरले आज आनंद नीले, मोदी मोदी।
बनारस एक शहर, इसको जो स्थान मिलना चाहिए था अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। और यहाँ के डेवलपमेंट, यहाँ की सबसे ज़रूरी बात है यहाँ के डेवलपमेंट की, अभी तक ये नहीं हो पाया। हमारी मोदी जी से एक्सपेक्टेशंस इसलिए हैं क्योंकि हमने उनको काम करते हुए देखा है पहले गुजरात में इतने समय तक वो थे, और जो उनका कार्यकाल था, वहाँ कार्यकाल है अभी वहाँ पर वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, और हम वही चीज़ अब अपने बनारस में चाहते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं, हम नहीं, हम अब पूरा यूथ चाहता है कि अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी से बहुत ही संभावनाएं हम लोग व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उनको एक काम को हम लोगों ने देखा है। अब बनारस जाना जाता है एक जीवंत शहर, जो कि सभी प्राचीन मान्यताओं को लेकर अभी तक चल रहा है, और ये कभी नष्ट होने वाला शहर नहीं है। विश्व भर के पर्यटक आते हैं यहाँ इस प्राचीन शहर को देखने, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनको न तो एडिक्वेट फैसिलिटी मिलती है, न तो रोड सही होता है, न सफाई, घाटों पे लाइट नहीं होती है, स्टेशन पे उतरते हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कि हमें कहाँ जाना है। उनको ऑटो टैक्सी वाले उनके फेयर ज़्यादा लेते हैं, ये इसका कोई रेगुलेशन ही नहीं है बनारस में। यहाँ या तो लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज हो, और एक जो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है दिल्ली जयपुर आगरा, तो हम ये उम्मीद है कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज हो जाएगा, त्रिभुज के अलावा बनारस भी स्वर्णिम चतुर्भुज के दायरे में आ जाएगा। आज के लिए देश के लिए मोदी का नाम क्या है? मोदी का नाम है विश्वास। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो ये हमारे साथ नाविक जो हैं उनके ऊपर हमें विश्वास है कि ये हमें मतलब अच्छे से टहलाएंगे नदी में, तो वो डुबाएंगे नहीं, तो उसी तरह हमें भी मोदी पे विश्वास है कि वो देश को चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे। काशी का सारे विश्व में एक स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थान बने। ईश्वर मुझे दे शक्ति, माँ गंगा मुझे शक्ति दे, सारे विश्व में मेरी माँ गंगा का जय जयकार हो, ऐसा कुछ करूं।